इस कैनन ने लिटरली 300 साल से भी ज्यादा पुराने एम्पायर को इंडिया में खत्म किया और इन्हीं कैनन्स के दम पे मुगल एम्पायर ने इंडिया में अपने कदम जमाए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इंडिया के कल्चर, हिस्ट्री और आज के समय के हिसाब से ये बैटल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और इस वीडियो में अपन समझेंगे कैसे बाबर ने अपने से 2 गुना बड़ी आर्मी को तबाह कर दिया। बैटल ऑफ पानीपत में जो वॉर स्ट्रेटेजीज यूज हुई थी उसको अपन एक्सपीरियंस करेंगे और समझेंगे कि कैसे इंडियन बैटलफील्ड पे पहली बार गन्स का इंट्रोडक्शन कैसे किया गया। ईयर 1526, दिल्ली सल्तनत खत्म होने लगी थी। दिल्ली के बादशाह के ऊपर से लोगों का भरोसा उठने लगा था और लोडी डायनेस्टी अंदर से खोखली हो गई थी। बादशाह लोडी के खुद के जनरल्स और नोबल्स के मन में दिल्ली सल्तनत को लेकर एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो गया था। एक तरफ तो दिल्ली सल्तनत टूट रही थी, वहीं दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर काबुल में गेंगिस खान का डिसेंडेंट बाबर अपने छोटे से किंगडम को एक्सपेंड करना शुरू कर देता है। सही बताऊं तो बाबर जेनेटिकली इंजीनियर्ड लीडर था। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबर की मदर थी मंगोलियन और पापा थे टर्किश। इस हिसाब से बाबर के जेनेटिक्स बने ही थे एक्सट्रीम वॉर लॉर्ड की पोजीशन को संभालने के लिए। बाबर इंडिया की तरफ अपना एक्सपेंशन शुरू कर देता है और 1525 में लाहौर पे अपना कब्जा जमा लेता है। लाहौर पे अपना कब्जा जमाने के बाद बाबर को सिर्फ एक जगह दिख रही थी अपना पंजा मारने के लिए, दिल्ली। और अर्ली 1526 में बाबर दिल्ली के लिए अपनी चढ़ाई शुरू कर देता है। बाबर की आर्मी छोटी थी। बाबर की आर्मी में लगभग 15,000 से 20,000 सोल्जर्स थे। इन 15,000-20,000 में कुछ टर्किश, मंगोलियन, अफगानी और ईरानी सोल्जर्स थे। बाबर की आर्मी भली छोटी थी पर बाबर की 20,000 की आर्मी ने 50,000 की लोडी साम्राज्य की आर्मी को घुटने टिका दिए थे। 21 अप्रैल 1526, पानीपत की जमीन में एक तरफ खड़ी होती बाबर की आर्मी और दूसरी तरफ खड़ी होती इब्राहिम लोडी की आर्मी और फिर शुरू होता था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर बहुत अच्छे से जानता था कि सिर्फ नंबर के दम पे तो वो लोडी की डायनेस्टी को नहीं गिरा सकता, तो बाबर ने वॉर स्ट्रेटेजीज, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का यूज किया दिल्ली सल्तनत को गिराने के लिए। अब देखो एक बहुत मशहूर कहावत है, जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा। हमीद खान था इब्राहिम लोडी का कजन और दिल्ली के काफी थे इंपॉर्टेंट सिटीज का गवर्नर। हमीद खान इब्राहिम लोडी के साम्राज्य और उसकी आर्मी को अंदर बाहर बहुत अच्छे से समझता था और हमीद खान अपने बड़े भाई इब्राहिम लोडी को सत्ता से हटा के दिल्ली सल्तनत का राजा बनना चाहता था और ये बात बाबर को बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। बैटल ऑफ पानीपत से पहले बाबर ने हमीद खान से मीटिंग की और इब्राहिम लोडी की आर्मी की सारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकलवा ली। इब्राहिम लोडी की आर्मी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेगी, उनके पास कितने घोड़े, हाथियों, सिपाही है, सारा डेटा बाबर ने निकलवा लिया था। हमीद खान ने बाबर को यह भी बता दिया था कि दिल्ली सल्तनत के नोबल्स और जनरल्स का भरोसा इब्राहिम लोडी के ऊपर से उठ चुका है और जो आर्मी के सैनिक है वो भी अपने बादशाह में भरोसा खोने लगे हैं। और ये इंटेल बाबर के लिए काफी ज्यादा क्रूशल थी। अब एक तरफ तो बाबर को पता था कि लोडी साम्राज्य के आर्मी के अंडर में क्या चल रहा है, दूसरी तरफ इब्राहिम लोडी ने इंटेलिजेंस पे ध्यान ही नहीं दिया। इब्राहिम लोडी को अपनी बड़ी सेना पे जरूरत से ज्यादा ही भरोसा था और भले ही क्यों ना हो, क्योंकि इब्राहिम लोडी की आर्मी 50,000 सैनिकों से ज्यादा बड़ी थी जिसके अंदर 400 हाथी थे और 400 हाथी की बटालियन इब्राहिम लोडी की किसी भी वॉर में सामने से अटैक करते और युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते। इब्राहिम लोडी की आर्मी में ऐसे वैसे हाथी नहीं थे, इब्राहिम लोडी की आर्मी के अंदर जो हाथी थे वो बाकी हाथियों से काफी ज्यादा बड़े थे। सारे के सारे 400 हाथी लोहे का कवच कैरी करते और एक हाथी पे 3-3 लोग बैठते। लिटरली उस टाइम के हाथियों को लिविंग टैंक बना दिया था इब्राहिम लोडी ने। आर्मर्ड हाथी के साथ साथ इब्राहिम लोडी की आर्मी के पास थे हजारों आर्मर्ड घोड़े, कई सारे सैनिक और आर्चर्स। अब कितने घोड़े, आर्चर्स और हाथी की प्लेटून थी इसकी इन्फॉर्मेशन तो बाबर को लग गई थी। उसके अकॉर्डिंगली बाबर ने प्लान बनाया। जैसी बैटल ऑफ पानीपत स्टार्ट होती है इब्राहिम लोडी की आर्मी सीधा चार्ज कर देती है। इस चार्ज को बाबर की आर्मी सीधा हेड ऑन टैकल नहीं करती, बाबर अपनी आर्मी को यूज करके इब्राहिम लोडी की आर्मी को लेफ्ट राइट और सेंटर से घेरना शुरू कर देती है। इब्राहिम लोडी की 50,000 की आर्मी को घेरने के लिए बाबर अपनी 20,000 की आर्मी को 3 टुकड़ों में तोड़ देता है। जब लोडी की आर्मी चार्ज करती है तो बाबर की आर्मी का जो सेंटर हिस्सा होता है वो प्रेशर को कंट्रोल करता है और लेफ्ट और राइट से धीरे धीरे करके बाबर की आर्मी इब्राहिम लोडी की आर्मी को घेर लेती है। ये असल में टर्किश वॉर स्ट्रेटेजी रहती है, इसको तुलगुमा कहते हैं। तलगमा के लिए लोडी आर्मी बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होती और बीच में सिपटना शुरू हो जाती है। जब भी इब्राहिम लोडी की आर्मी सेंटर को ब्रेक करने की कोशिश करती है मंगोलियन आर्चर्स साइड से एरोस का बैराज छोड़ देते हैं और जैसे ही मंगोलियन आर्चर्स का बैराज खत्म होता है टर्किश मस्किटर्स अपनी गन यूज करते हैं। ये गन्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि आर्मर्स को पेनिट्रेट करना शुरू कर देती है। जैसी बाबर की आर्मी मस्किट्स को वॉर में यूज करना शुरू करती है इब्राहिम लोडी की आर्मी थरथराने लगती है क्योंकि पहली वॉर थी इंडियन ग्राउंड्स पे जिसमें गन यूज की गई थी। गन्स का इंट्रोडक्शन लोडी आर्मी के लिए सरप्राइज था और गन्स को कैसे टैकल किया जाए उनके समझ में नहीं आया। अब देखो बाबर ने जान पूछे मंगोलियन आर्चर्स और टर्किश मस्किटर्स को एक साथ कंबाइन किया था। उस टाइम की गन्स बिल्कुल नई लेवल थी तो उनमें कमी थी, गन्स को रिलोड करने में काफी ज्यादा टाइम लगता। दूसरी तरफ जो एरोस थे उनको
जल्दी तो रिलोड कर सकते पर उनका आर्मर पेनिट्रेशन काफी लो था। इसलिए बाबर ने मंगोलियन आर्चर और टर्की शूटर्स के साथ मिलकर एक ऐसी प्लेटून बनाई कि दोनों एक दूसरे की वीकनेस को कवर कर सके। सिर्फ इस एक सीन से तुम लोग जज कर सकते हो कि बाबर की वॉर इंटेलिजेंस कितनी ज्यादा खतरनाक थी, पर ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब पूरी लोडी आर्मी सेंटर में इकट्ठा हो गई, जबकि सेंटर से एक कैनन स्टोन शूट करती है। ऐसा करके एक के बाद एक 20 कैनन इब्राहिम लोडी की आर्मी पे पत्थर शूट करना शुरू कर देती है। ये भी इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम था कि किसी वॉर में हैवी आर्टिलरी यूज की गई थी। लोडी आर्मी के सोल्जर्स एक तरफ मस्किटो से परेशान थे, दूसरी तरफ कैनन बोछार करना शुरू कर देती है। लोडी आर्मी के सोल्जर्स पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो जाते हैं, और ऊपर से लोडी आर्मी की ताकत क्या थी, उनके बहुत बढ़िया घोड़े और हाथी वो उन सबके खिलाफ एक्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो घोड़े और हाथी होते हैं वो लोग कैनन की आवाज से घबरा जाते हैं, तो जो घबराए हुए घोड़े और हाथी होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते और जाने अनजाने में लोडी आर्मी के सोल्जर्स को ही मारना शुरू कर देते हैं। देखो बाबर ने ना कैनन्स को नंगा आगे नहीं किया था, बाबर ने कैनन्स को कार्ट पे इंस्टॉल किया और कार्ट के आगे डिफेंसिव बैरियर लगा दिया। इसको कहते हैं अराबा स्ट्रेटेजी। कैनन्स अराबा तोलगोमा स्ट्रेटेजी को यूज करके बाबर ने इब्राहिम लोडी की सेना को तबाह कर दिया। थोड़े बहुत सैनिक और जनरल जैसे तैसे अपनी जान बचा के घेरे से बाहर निकले, लेकिन इब्राहिम लोडी घेरे में ही मारा गया। बैटल ऑफ पानीपत मोटा मोटी 8 घंटे चली, जिसके अंदर इब्राहिम लोडी के 20,000 सैनिक मारे गए, बाबर के 4,000 सैनिक मारे गए और पूरी दिल्ली सल्तनत खत्म कर दी गई। देखो इस वीडियो को मैंने थोड़ा जानबूझकर सिनेमैटिक बनाया, जैसे हिस्ट्री की नॉलेज दी जा सके और लोगों को एंटरटेन भी रखा जाए। अगर तुम लोगों के पास भी कोई ऐसा बोरिंग सा आइडिया जिसको मैं सिनेमैटिक तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम करके बता देना। इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन दिख जाएगा।